हेलो, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग से पैटर्न टॉपिक से कुछ पैटर्न के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो ये क्लास फर्स्ट को ध्यान में रखकर हमने बनाए हैं। जैसा कि आपको पता ही, कृष्ण ओलंपियाड के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था सैम्पल पेपर, और अब हम क्लास फर्स्ट के लिए टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक वाइज पैटर्न कॉन्सेप्ट एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज अ पैटर्न। पैटर्न इज ए लॉजिकली रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ लेटर नंबर्स शेप एंड अदर एलिमेंट्स। पैटर्न जो है एक लॉजिकल वे में रिपीट अरेंजमेंट को रिपीट करता है, चाहे वो लेटर हो, नंबर हो, शेप या अदर एलिमेंट्स। The rule that a pattern always follow help us to predict what will happen next in the sequence. This pattern हमेशा एक सीक्वेंस में रहता है और हेल्प करता है कि नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर आएगा। अब हम जानते हैं कि पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। जैसे इस प्रकार, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे स्टार का सेप है। पहले रेड कलर, फिर येल्लो, फिर ग्रीन, फिर रेड येल्लो ग्रीन, यानी रेड येलो ग्रीन तीन सीक्वेंस में चल रहे हैं, फिर वापस रेड येलो ग्रीन नेक्स्ट जो सीक्वेंस से रिपीट हो रहे हैं। उसी प्रकार यह स्टार में हम देख सकते हैं, एरो में देख सकते हैं, ये सीक्वेंस हमेशा रिपीट होते हैं। रिपीटेड पैटर्न इफ अ रूल रिपीट इटसेल्फ रिपीटली एंड इन साइक्लिकल मैनर दैट पैटर्न सेड टू बी रिपीटेड पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल, कोई पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटेड पैटर्न कहलाता है। जैसे स्टार, फिर चार से फोर, फिर रेड येलो, रेड येलो, इसके शेप्स जो है हमेशा रिपीट हो रहे हैं। जैसे सर्कल स्टार, सर्कल स्टार, और कलर भी सेम है, वो हमेशा रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पैटर्न क्या होता है। टाइप्स ऑफ पैटर्न, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। ए नंबर पैटर्न, बी लेटर पैटर्न, एंड सी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न। ये तीन पैटर्न्स पे हम यहाँ पर समझेंगे। पहला हमारा होता है नंबर्स ऑफ पैटर्न। जो नंबर्स हमारा होते हैं, 0 से 100 तक के नंबर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स पैटर्न पर हम बात करेंगे। द पैटर्न इन विच लिस्ट ऑफ नंबर फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस आर नोन एज नंबर पैटर्न्स। नंबर पैटर्न्स वो नंबर की एक लिस्ट होती है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर पैटर्न्स में हम देख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। इसमें हर दो नंबर्स के बीच में प्लस टू हो रहा है। जैसे 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9 एंड 9+2 11। तो ये सीक्वेंस में जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस में नंबर्स पैटर्न चल रहे हैं। तो हेंस द नंबर इंक्रीज बाय 2 इन ईच स्टेप। हर स्टेप में दो नंबर्स बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं लेटर पैटर्न। अ लेटर पैटर्न इज सीक्वेंस और पैटर्न फाउंड इन ग्रुप ऑफ लेटर और द इंग्लिश अल्फाबेट। इन जनरल दिस पैटर्न मेक ए कनेक्शन बिटवीन ऑल द लेटर्स। लेटर्स पैटर्न अल्फाबेटिकली लेटर्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो एक निश्चित ग्रुप में चलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, लेटर पैटर्न ए 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 ए, यानी एक बार 1 लिखा गया, फिर 2 बार ए, 3 बार ए, 4 बार ए, फिर 5 बार ए, फिर उसी प्रकार ए, फिर ए बी, ए बी ए, ए बी ए बी, ए बी ए बी ए, इस प्रकार वो रिपीट हो रहा है। जैसे ए बी, फिर ए बी ए, फिर ए बी ए बी, इस प्रकार ये नंबर्स सीक्वेंस पैटर्न हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न। इंक्रीजिंग पैटर्न, इट इज़ द पैटर्न नंबर वेयर नंबर्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग पैटर्न में नंबर्स को इंक्रीज करते हुए अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, जिसमें इस पैटर्न, इन दिस पैटर्न वी कैन सी डैट द पैटर्न इज इंक्रीजिंग बाय 10, यानी हर दो नंबर्स के बीच में प्लस 10 इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग पैटर्न। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखेंगे डिक्रीजिंग पैटर्न। डिक्रीजिंग पैटर्न इज द पैटर्न नंबर वेयर द नंबर आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स पैटर्न हो रहा है, जैसे डिक्रीजिंग पैटर्न, जैसे 10, 8, 6, 4, 2, 0, इन सभी में 10-2 8, 8-2 6, 6-2 4, 4-2
2 एंड 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा डिक्रीजिंग पैटर्न एग्जाम्पल है जिसमें नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। वी कैन सी डैट द पैटर्न डिक्रीजेज बाय 2, यानी हर स्टेप्स में दो दो नंबर्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं। चलिए अब ये तीन पैटर्न हमने देख लिया, क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न को हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तीन तरह के पैटर्न हम देख रहे हैं, पहला है रिपीटिंग पैटर्न, नेक्स्ट हो गया नंबर पैटर्न, फिर हमने देखा लेटर पैटर्न, और नेक्स्ट सी हमने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न। चलिए अब इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस क्लास फर्स्ट में बच्चों से पूछे जाते हैं फॉर ओलंपियाड एग्जाम में, किसी भी प्रकार के ओलंपियाड एग्जाम में रीजनिंग या पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड मैथ में पूछे जाए या मैथ के साथ ही हर ओलंपियाड एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन गिवन नंबर पैटर्न। अब इसमें हमें देखना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 17, 21, 29 एंड 33। इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि 17 एंड 21 के बीच में कितने नंबर्स हैं और 29 और 33 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर 25 हो जाएगा। क्या? क्योंकि हर नंबर्स के बीच में प्लस 4 हो रहे हैं, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 4 25, 25 प्लस 4 21 एंड 29 प्लस 4 31। तो इसी प्रकार यहाँ पर 17 प्लस 4 25। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं, व्हाट फाइंड नेक्स्ट इन गिवन पैटर्न। अब ये हमारा जो है अल्फाबेट्स पैटर्न है, तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार का, जैसे ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी, यानी एक एक नंबर सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए ए बी ए बी सी ए बी सी डी, और नेक्स्ट एक नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई। तो ये हमारा नंबर किस में है, ए बी सी डी ई ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखते हैं ए बी सी एक्सप्लेनेशन द अबव पैटर्न, नेक्स्ट लेटर इंक्रीजिंग कॉन्सिस्ट कॉन्टिन्यूसली, यानी नेक्स्ट एक नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है अल्फाबेट्स में, सो देयरफॉर नेक्स्ट टर्म भी ए बी सी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स आफ्टर द फॉलोइंग सीरीज। ये नंबर सीरीज चल रही है, इसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। देखिए 1, 3, 5 एंड 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने नंबर प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, सब में क्या हो रहा है, प्लस 2 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, A 6 B 7 C 4 D 9। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 7। चलिए इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन द गिवन पैटर्न बोलोंग द रूल हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, हेंस 7 विल बी द आंसर। हर नंबर के बीच में, हर नंबर में प्लस 2 ऐड हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब यहाँ पे नंबर पैटर्न से इसमें देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। देखिए 1 1 2 1 2 1, फिर 1 2 1 2 1, मतलब यहाँ पर यह है कि 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2, इस तरह के नंबर रिपीट हो रहे हैं और एक नंबर्स और बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 हो रहा है, नेक्स्ट नंबर 2 हो गया 2, फिर यहाँ पे 1 2, फिर वापस 1, 3 डिजिट हो गए, फिर 1 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, क्योंकि यहाँ पर आगे नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, 1 2 1 2 की सीरीज चल रही है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 इस तरह नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 फिर 1 2 फिर वापस से 1 2, इस तरह सीक्वेंस बढ़ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 1 2। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन रूल पैटर्न गिवन बिलो क्या हो रहा है, 1 2 1 2 1 1 2 1 2, देयरफॉर 1 2 1 2 विल बी रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कम्स आफ्टर द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है, इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज कौन सा होगा, सर्कल, पेंटागोन, हेक्सागोन,
तो ये डायमंड सेफ हो रहा है, फिर वापस यहाँ सर्कल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर फिर यहाँ पर वापस रिपीट हो गया, तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर ये ग्रीन वाला पेंटागोन होना चाहिए। इसी प्रकार ये सीरीज जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, आंसर सी, एक्सप्लेनेशन पैटर्न क्वेश्चन इज। तो देखिए इस प्रकार ये हमारा रिपीट हो गया। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास फर्स्ट ओलंपियाड मैथ ओलंपियाड्स के ये टॉपिक्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जियोमेट्रिकल शेप लेकर आएंगे, जिसको आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।